आज की ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं गॉड ऑफ सिम्बियोट नल और मार्वल कॉमिक्स के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट विलन डॉक्टर डूम का। अब ये कंपैरिजन अब सेंस भी बनाता है क्योंकि हमें फ्यूचर में इन दोनों की बैटल देखने को मिल सकती है। ये दोनों हमें एक दूसरे के अगेंस्ट देखने को मिल सकते हैं क्योंकि नल हमें आने वाली मूवी वेनम द लास्ट डांस में देखने को मिलने वाला है और एवेंजर्स डूम्सडे मूवी तो अनाउंस हो ही चुकी है। जिस तरह से मल्टीवर्स चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, उससे यही हिसाब लगाया जा सकता है कि हमें जल्द ही नल वर्सेस डॉक्टर डूम देखने को मिल सकता है क्योंकि स्पाइडरमैन 4 एक मल्टीवर्सल मूवी होने वाली है एज पर रूमर्स। बाकी आगे क्या होता है ये तो आगे ही देखा जाएगा, लेकिन अगर इन दोनों के बीच कभी बैटल हुई तो कौन जीतेगा आज की इस वीडियो में हम यही पता लगाने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेट कर लो ताकि इस तरह की कोई भी वीडियोस और कोई भी सुपर हीरो मूवीज रिलेटेड अपडेट्स आप मिस ना कर पाओ। तो सबसे पहले हम दोनों के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे और उनके पावर्स के बारे में जानेंगे और फिर कंपैरिजन करेंगे कि इन दोनों के बीच अगर कोई फाइट होती है तो कौन जीतेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नल की। तो नल को रूलर ऑफ डार्कनेस और गॉड ऑफ सिम्बियोट के नाम से भी जाना जाता है जो कि यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस के पहले भी एग्जिस्ट करता था। नल डार्कनेस का रूलर है, लेकिन जब यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ जब सेलेस्टियल यूनिवर्स में एग्जिस्टेंस में आया और उन्होंने यूनिवर्स को बनाना शुरू किया, तब उनको रोकने के लिए नल ने एक स्वॉर्ड बनाई जिसका नाम ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड है जो कि हमें एमसीयू के थॉर 11 थंडर में देखने को मिली है। वो तलवार नल की है। वो तलवार गॉर द गॉड बुचर के पास कैसे आई उसके बारे में हम कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नल ने ये तलवार सेलेस्टियल को रोकने के लिए बनाई थी क्योंकि नल सिर्फ अंधेरा चाहता था। ऑब्वियस सी बात है, जो बंदा डार्कनेस को रूल करता है वो डार्कनेस ही जाएगा। उसने इस स्वॉर्ड की हेल्प से सेलेस्टियल को हराया है, यहाँ तक कि उसने एक सेलेस्टियल का सर काट दिया था जिसके बाद बाकी के सेलेस्टियल्स ने मिलकर नल को वॉइड में कैद कर दिया। लेकिन नल वॉइड में भी कहाँ शांत रहने वाला था। नल ने वॉइड के अंदर रहते हुए सिम्बियोट्स का क्रिएशन किया जो कि पहले उसी स्वॉर्ड का पार्ट थे। सिम्बियोट्स को नल दूसरे प्लैनेट्स में भेजता था उन्हें कॉन्कर करने के लिए। सिम्बियोट्स जो है तो पूरे यूनिवर्स में फैले हुए हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब सिम्बियोट्स को पता चलता है कि नल कैसा है तो उसे धोखे से एक प्लैनेट में ट्रैप कर देते हैं। ये तो छोटी सी ब्रीफ में स्टोरी थी नल की। तो हम नल की पावर्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो नल के पास डार्कनेस मैनिपुलेशन की पावर है जिसका मतलब है कि वो डार्कनेस को कंट्रोल कर सकता है, जैसा चाहे वैसा यूज कर सकता है वो बंदा डार्कनेस का। अगर देखा जाए तो नल एक तरह से इमॉर्टल भी है क्योंकि जब तक डार्कनेस रहेगा तब तक नल की कॉन्शियसनेस भी रहेगी। और हम सभी को ये अच्छे से मालूम है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अगर रोशनी है तो अंधेरा रहेगा, इस चीज को कोई नहीं बदल सकता। और इसी तरह से नल इमॉर्टल भी है। इसके अलावा नल के पास गॉड लेवल स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी है। उसकी स्ट्रेंथ का अंदाजा आप इससे लगा सकते हो कि उसने सेलेस्टियल जैसे बींग को मारा है, और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि सेलेस्टियल्स कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं। साथ ही नल सिम्बियोट्स को भी कंट्रोल कर सकता है जो कि ऑल ओवर द यूनिवर्स में फैले हुए हैं। एक सिम्बियोट कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है ये हम सभी जानते हैं। सिम्बियोट्स को कंट्रोल करने के साथ साथ नल के पास ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड भी है जो कि नल की पावर्स को काफी ज्यादा हाई लेवल पर पहुंचा देती है। तो अब हम बात कर लेते हैं डॉक्टर डूम की पावर्स के बारे में। तो डॉक्टर डूम का पूरा नाम विक्टर वॉन डूम है। कितना ज्यादा पावरफुल है ये मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि सभी मार्वल फैंस को इसके बारे में मालूम ही होगा। लेकिन जिन्हें नहीं मालूम है मैं उन्हें बता दूं कि डॉक्टर डूम लेटवेरिया का रूलर है, एक जीनियस लेवल का साइंटिस्ट है। डॉक्टर डूम की पावर्स टेक्नोलॉजी और मैजिक की पावर्स का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। डॉक्टर डूम मार्वल कॉमिक्स का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल विलन है। डूम की पावर्स हाई इंटेलिजेंस है जिससे उसने अपने लिए स्ट्रॉन्ग आर्मर और कई सारे हाईटेक वेपन्स भी बनाए हैं जो कि फाइट में उसको बहुत ज्यादा एडवांटेज देते हैं। इसके अलावा डूम काफी ज्यादा पावरफुल सॉर्सरर भी है जो कि मिस्टिक आर्ट्स में माहिर है। साथ ही डूम के पास एनर्जी मैनिपुलेशन और रियलिटी मैनिपुलेशन की भी पावर्स हैं। कॉमिक्स में तो डूम ने बियॉन्डर्स की पावर मिलने के बाद अपना खुद का यूनिवर्स भी बनाया है। सोचो कि जो बंदा अपना खुद का यूनिवर्स क्रिएट कर सकता है वो कितना ज्यादा पावरफुल होगा। दोनों के पावर्स और ओरिजिन के बारे में जानने के बाद अब देख लेते हैं कि इन दोनों के बीच अगर बैटल हुई तो कौन किसको ओवरपावर करेगा। तो अगर बात करें स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी की तो नल के पास गॉड लेवल स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी है। उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि सेलेस्टियल तक को हरा सकता है। वहीं डूम की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी की बात करें, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी उसके आर्मर से है। उनका आर्मर बहुत बहुत ही ज्यादा पावरफुल है जिसने बड़े से बड़ा अटैक सर्वाइव किया है और एनर्जी ब्लास्ट को भी झेल चुका है। डूम की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी नल की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के सामने काफी कम है क्योंकि एक आर्मर से आप गॉड लेवल स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को नहीं रोक सकते हो। और अगर बात करें कॉम्बैट स्किल्स की तो डूम मार्वल का बेस्ट फाइटर्स में से एक है
और नल की भी कॉम्बैट स्किल्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि डूम से ज़्यादा कॉम्बैट और फाइट स्किल्स नल की अच्छी होंगी। ये तो मेरा ओपिनियन है, आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी नल सिम्बियोट्स को कंट्रोल कर सकता है जिससे वो डूम के डिफेंस को काफ़ी ईजिली बीट कर सकता है, लेकिन अगर बात करें मैजिकल पावर्स की तो डूम की मैजिकल पावर्स नल के डार्कनेस मैनिपुलेशन और सिम्बियोट अटैक से बचने में हेल्प कर सकती हैं, लेकिन फिर भी गॉड तो गॉड ही है। डूम के पास काफ़ी एडवांस वेपन्स और टेक्नोलॉजी है, लेकिन नल जैसे कॉस्मिक बीइंग का सामना करने के लिए ये पावर्स भी कम पड़ेंगी। नल ने सेलेस्टियल्स को भी ओवरपावर किया था, यहाँ तक कि नल ने एवेंजर्स एक्समैन को भी ओवरपावर किया है। इसके अलावा उसने सेंट्री के 2 टुकड़े किए हैं, हाँ लिटरली 2 टुकड़े कर दिए थे बीच से। और हम सभी को मालूम है सेंट्री को मार्वल कॉमिक्स का स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो बताया जाता है, तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो के 2 टुकड़े कर सकता है वो कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। और बाकी अगर वहीं बात करें डॉक्टर डूम की, तो डॉक्टर डूम भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, उसने भी एवेंजर्स को ओवर पावर किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि डूम नल जैसे कॉस्मिक बीइंग को हरा पाएगा। भाई जो सिम्बियोट्स जैसी पावरफुल रेस को बना सकता है उसे हराना इतना आसान कैसे हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी आती है जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। डॉक्टर डूम एक काफी अच्छा स्ट्रेटजिस्ट है और इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है ये हम सभी जानते हैं। अगर उसे टाइम मिलता है तो वो नल की पावर्स और वीकनेस को एनालाइज करके उसे हराने के एक प्रॉपर परफेक्ट प्लान तैयार कर सकता है। उसे हराने के लिए वो काफ़ी सारे वेपन्स भी बना सकता है, लेकिन उसके लिए डॉक्टर डूम को एक प्रॉपर टाइम और प्लानिंग चाहिए होगी। अगर बात करें डायरेक्ट फाइट की, तो अगर डायरेक्ट फाइट होती है तो नल के आगे डॉक्टर डूम का चांस नहीं है, लेकिन वही डूम को टाइम मिलता है नल की पावर्स को एनालाइज करने का और इसके बाद फाइट होती है तो डॉक्टर डूम के जीतने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं। और बाकी आपके थॉट्स इसमें क्या है कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।